हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइए और इन 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। रीजनिंग की वीडियो आपको सुबह 7 बजे मिलती है, दोपहर के 2 बजे आपको मैथ की वीडियो मिलती है और रात के 9 से 10 के बीच में आपको जीके का ऑनलाइन टेस्ट मिलता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और हाँ, अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दक्षिण भारत की लंबी नदी है? तो सिर्फ आपको इतना बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और सभी को पता होगा हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पवनार आश्रम का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? पवनार आश्रम का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, विनोबा भावे से। क्वेश्चन नंबर 4, बेलूर स्थान से संबंधित व्यक्ति है? बेलूर इस स्थान से संबंधित व्यक्ति है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाइएगा और टेस्ट को पूरा देखने के बाद में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, इससे पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बंगबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? शेख मुजीबुर रहमान इज द राइट आंसर। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभय घाट का संबंध किससे है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहेगा? बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विजय घाट निम्न में से किस व्यक्ति का संबंधित स्थल है? दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विजय घाट निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 10 का बताइए। तो 10वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा धनबाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है भाई? ये हो जाएगा कोलकाता राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये भी आपके
ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? 12 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 1835 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत एवं सिंगापुर के मध्य वर्ष 2018 में कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास किया गया है? तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सिम्बेक्स 10, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का मुख्यालय स्थित है। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो कौन सी संस्था उत्तरदायी रहेगी भाई? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2, DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन 2 इज आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी के वायु संस्करण पृथ्वी 2 की मारक अक्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिशूल है एक, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आई होप कि आप इसका सभी सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, त्रिशूल एक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से त्रिशूल किस प्रकार के मिसाइल है? सारे क्वेश्चन वो मैं आपको कराने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो त्रिशूल एक ऐसी मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। सतह से सतह पर मार करने वाली ध्वनि से तेज गति की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ध्वनि से तेज गति की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को वर्टिकल लंबवत लॉन्च से दागा जाता है? दोस्तों आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है। तो 20वां आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, निर्भय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सबसे हल्के छोटे सुपरसोनिक बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लिखवा लीजिए 100%, इनमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे। 21वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के अत्याधुनिक प्रयोजनीय लड़ाकू विमान सुखोई की प्राप्ति भारत को किस देश से हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22वां, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसका प्रयोग भारत निगरानी व खोजी विमान के रूप में करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23। तो अवाकस इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल जो फ्रांस कंपनी द साल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है, ये याद रखना है आपको, ये किस कंपनी द्वारा निर्मित है? द साल्ट एविएशन, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है राफेल? किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन टू यानी कि चौथी पीढ़ी का राफेल विमान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन पूर्ण पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से निर्मित टैंक है जो अपने चारों ओर 360 डिग्री घूमकर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगा लीजिए, ठीक है। और ये हमारे देश में बना है, 25 बहुत फेमस रहा है ये, बहुत मतलब इस पे न्यूज़ में रहा है जब ये बना था। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, अर्जुन टैंक, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक भी स्टूडेंट लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस टैंक के तोपों में स्वचालित गोले भरने की व्यवस्था की गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री यानी कि भीम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा टैंक नाभिकीय जैविक तथा रासायनिक हमले सहने से सॉरी सहने में भी सक्षम है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भीषम T90 यानी कि ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, INS मैसूर निम्न में से किस श्रेणी का विध्वंसक युद्धपोत है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली यानी कि ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नौसेना के सबसे विशाल और लंबे विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य के रूसी संस्करण का नाम है? तो 29 का जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन टू हो जाएगा, एडमिरल गोर्सकोव, ठीक है। ठीक है भाई, गोरस्कोव, एडमिरल गोरस्कोव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, गश्ती व निगरानी युद्धपोत INS तियाहयू का नाम किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के द्वीप के नाम पर रखा गया है? तो 30वें का सही उत्तर रहेगा अंडमान निकोबार यानी कि ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये बताइए, देखिए ये सारे